बैजोई इस्लामनगर रोड बैजोई में जनता नर्सिंग होम में एक नवजात शिशु की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। जाने आलम पुत्र नवाब निवासी चितनपुर थाना बैजोई अपनी पत्नी यास्मीन को डिलीवरी के दौरान इस्लामनगर रोड बैजोई जनता नर्सिंग होम में लेकर आए, जहां जाने आलम की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद डॉक्टरों ने अस्पताल में ही रोक लिया और तीसरे दिन बच्चे की मौत हो गई। वहीं पर परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। बच्चे की मौत होने के बाद अस्पताल से डॉक्टर व स्टाफ सहित फरार हो गए। झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ पर आए दिन मौत होती रहती है, इसके जिम्मेदार कौन? बैजोई में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जो कि सीएमओ ऑफिस भी बैजोई में ही है और हर अधिकारी बैजोई में मौजूद है, फिर भी यहाँ झोला छाप लगातार अपने अपने अस्पताल खोले बैठे हैं। आखिरकार कब होगी इन पर कार्यवाही? जाने वालों क्या मामला हुआ अस्पताल में? अस्पताल में भाई साहब रात 12 बजे के बाद हम चाय ले आए तो होटल वगैरह सब कंप्यूटर को पिलवाई हमने उठवा के, ये सारे सो रहे थे। सोने के बाद भाई साहब फिर हमने कहा भाई साहब देखिए ये ना फिर घर ठीक है, फिर के बाद ऊपर पंखा चलते रहे, अभी सोते रहे आराम से और जांचें भी कराई, जांचें भी ठीक थी इसकी, सारी नॉर्मल थी जांचें। किसकी जांचें कराई? जांचें सारी जांचें भी जितनी होती है। किसकी कराई? किसकी? बच्चे की जांचें कराई थी। कब बच्चे पैदा हुआ था ये? 3 में हुआ है। कहाँ पर पैदा हुई? अस्पताल में? अस्पताल में। क्या नाम अस्पताल का? ऑपरेशन जनता नर्सिंग होम हॉस्पिटल। अब क्या हुआ बच्चे को? बच्चे के ऊपर रात ऊपर पंखा चलता रहा, ये सो गए थे तो मैं 12 बजे देखा था तो ये बच्चा ठंडा पड़ गया बिल्कुल जी। हाँ क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद बच्चे में कुछ नहीं रहा। डॉक्टर साहब से मेरी शिकायत करी मैं बहुत का डॉक्टर साहब कह रहे हाँ हमारे कंप्यूटर की लापरवाही है पूरी पूरी। इन्होंने कितने रुपए लिए थे एडमिट करने के? एडमिट करने के इन्होंने कहा 15-16 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा। अब शिकायत करी किसी से? सर जो अस्पताल में बच्चा खत्म हुआ था क्या कार्रवाई हुई है? इसे सील कर दिया गया है और जो भी आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। कितने लोगों का कार्रवाई हुई है आज? ये आज हमने 3 हॉस्पिटल सील किए हैं और तीनों को मुकदमे की तैयारी शुरू की जा रही है।